खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। तो महाबलियों की मुलाकात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच जो मुलाकात हुई है उसके बारे में पूरा ब्यौरा देते हुए विदेश सचिव विक्रम गोखले की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इसमें बताया गया किस तरीके से दोनों नेता पिछले 26 घंटे में करीब 90 मिनट तक दोनों ने एक दूसरे से सीधी बातचीत की। इसके अलावा 6 घंटे एक दूसरे के साथ समय बिताया और भारत और चीन के रिश्ते जो है वो और मजबूत हुए हैं वुहान स्पिरिट के बाद इस चेन्नई कनेक्ट से। अच्छा, बड़ी बात यह कि एबीपी न्यूज की खबर पर मोहर लगी। हमने कुछ देर पहले आपको यह जानकारी दी थी कि यह जो मुलाकात दोनों नेताओं के बीच हुई है इसमें कश्मीर का जिक्र तक नहीं हुआ है और अब से कुछ ही देर पहले अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी विदेश सचिव की तरफ से यह साफ किया गया कि कश्मीर का कहीं कोई जिक्र नहीं हुआ। आतंक पर चीन का रुख क्या रहा? इमरान की यात्रा पर शी ने प्रधानमंत्री को बताया, इमरान पर बताया, प्रधानमंत्री ने सुना। एबीपी न्यूज का विदेश सचिव से जो सवाल था वो भी हम आपको बता रहे हैं और साथ ही विदेश सचिव ने बताया कि कश्मीर पर कोई चर्चा नहीं हुई। कश्मीर भारत का अंदरूनी मामला है, कश्मीर को लेकर किसी तरीके का कोई जिक्र नहीं हुआ। एबीपी न्यूज की खबर पर मोहर लगी है। विदेश सचिव की तरफ से साफ किया गया कि मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, कश्मीर को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई, कश्मीर भारत का अंदरूनी मामला। Jammu and Kashmir, I would like to state quite categorically that this issue was not raised and not discussed, and therefore there is no question of my making any further comments on the matter. In any case, the Government of India's position, as expressed publicly, is very clear. This is a matter that concerns the internal affairs of the country.